और जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गई है। क्या आ जाए यहाँ रही, पेट में तो भूख उठ गई है, आँखों की नींद उठ गई है कि टाबर आवे। दुनिया को के विश्वास है, जीवन की माखी गिटन ला रहे। अब की कैस काम 2018 तक का किराए मैं लेके गया हूँ इधर से। हमारा कब्जा करेड़ा नहीं करूँ, जा कर ले कोई करनी आवे। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। सगला दर्शकों ने राम राम, मैं थारो बेली आशु, थे देख रहा हो जलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ के सुरेशिया के अंदर। अठे एक बुजुर्ग आंटी जी है, आंगो कहना है कि ये 2 साल पहला आपको ओ जिको थे पीछे मकान देखने लग रहे, वो मकान है 2 साल पहला कोरोना काल के अंदर आपका गांव गया। आज मेर भी टाइम इन्हें आगे घर है पड़ोसी बने संभाल के गया है, और अब 4-5 दिन पहला ये आपका मकान अठे वापिस आया है, और आऊँ मकान की चाबी चुबी मांगी है तो पड़ोसी आगे मकान के ऊपर कब्जो कर लियो। और ये बुजुर्ग माता जी अपना सागे आऊँ बातचीत कराँगा, आगे जो भी समस्या है बात जानांगा, तो वीडियो का अंत तक मार सागे बने रहियो। क्या नाम माता जी थारो? सीता। के मामलो है माता जी, बताओगे थोड़ा? मामलो जी 18-19 साल पहला मारा आदमी अटल रोडवेज में नौकरी करता था, और 18-19 साल बाद में बदली होगी, मैं अजमेर पर आ गया, मेरे बच्चों समेत अजमेर पर आ गया। टाबरा की शादी ब्याह के खातर मैं तद बैठे थी, आती रहती जाती रहती, किराएदार भी बिठाया मैं, मार किराए भी लेके जाती, कभी मैं आ जाती कभी मेरा बच्चा आ जाता बड़ा वाला, और हम किराए ले जाता। 2 साल कोरोना कारण के भाई जे मैं बीमार होने के कारण मैं आ नहीं पाई, तो पड़ोसी ने फोन करके भी कहती थी, इन्होंने बोले भाई मेरी गाड़ी खड़ी करो, मेरी तूड़ी नाक दो, कोई बात नहीं भाई मैं आऊँ, जब खाली कर देना। इन्होंने मेरी खन तोड़ के अंदर बैठ गए और कब्जा कर लिया। अब मैं 11 तारीख में जब आई तो मेरे को मकान खाली नहीं करने लग रही, कहती मेरा है, मैं कब्जा कर लिया, 20 साल हो गया। मैं 20 साल तो मनी नोया जाएंगी, यानी मारा 18-19 साल तो मन बदलियो है नोया। तो मैं आती रही जाती रहती, सब किराएदारों का साइन करा हुआ है हमारे, जितना किराएदारों को किराए मैं लेके जाती, और जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गई है। कब की बात है बजा थे हटूँ गया आज मेरे, और के कारण गया थे काम? मैं तो मार बदली होगी, मेरे आदमी की 18-19 साल पहले जत गई थी, उसके बाद में मैंने किराए दे के गई थी, किराएदार को किराए ले जाती, कभी मैं आती कभी मेरा बच्चा आ जाता और किराए लेके जाता था। अब 2 साल में हमारे से आनी नहीं आया, कोरोना काल से बीमार हो गई, मेरे पति भी बीमार हो गया, मैं भी बीमार हो गई, तो इसीलिए इनको विश्वास के खातर, भाई विश्वास है, और विश्वास के खातर चाबी लेके और मेरे से विश्वासघात करके मेरे कब्जा करके बैठ गई, और अब खाली कर रही नहीं है। तो के कब आ गए थे मकान खाली करने? ये कहते हमारा कब्जा करेड़ा नहीं करूँ, जा कर ले कोई करनी आवे। तो है कौन कब्जो करनी है बताओगे? रूप सिंह जी, मिस्त्री। हाँ जी सरदार। तो थारे सागे थे जी हमारे, अब कब ला रहे थे बना मकान संभाला गया, तो के पहला के विश्वास पत्र आ गए? हाँ जी विश्वास पर। तो थे कोई पुलिस वगैरह ने या कोई कोर्ट में खड़ा कोई प्रशासन ने शिकायत करी है? हाँ जी थाना में चौकी के मायने करी थी। पुलिस सर कहता कब्जा तुम्हारा प्लॉट तुम्हारे को मिल जाएगा, कागज वगैरह लिखा पड़ी सब है, सब है हमारा कागज मानला सब लिखा पड़ी होगी। तो ये यहाँ क्यों करा लग रहे भाई जगह पड़ोसी है थारा, क्यों कब्जो करिए? ये इनकी नीत माड़ी करके। कितना अग्रिम कीमत में होगा आज के टाइम में, कितनी कीमत है मकान की? कीमत की तो देख लो, कीमत क्या है? मतलब मकान थारो खुद को बनाए है? हाँ जी मेरे खुद को बनाए हुए। लड़के आगे थारा? हाँ जी। कद की बात है और क्या गया थे के मामले? 2003 तक गड़ी या 2003 के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया अजमेर डिपो में, तो वहाँ चले गए। इसके बाद आए जाए तो मैं भी 3 साल तक इधर रहा। मैं ट्रांसफर होने के बाद हमारे मतलब की शादी ब्याह के चक्कर में रिश्तेदारी शरीर इधर थी, इस कारण मेरे पिताजी इधर से ट्रांसफर करा के चले गए वापस। मैं भी किराए बड़ा लेके गया, 2018 तक का किराया मैं लेके गया हूँ इधर से, 2019 का किराया मेरी मम्मी जी आई और मेरी मम्मी लेके गई है। 2020 और 2021 के अंदर कोरोना काल के अंदर आ नहीं पाए, बसें और ट्रेनें वगैरह बंद होगी, तो इन्होंने बीच में से ये दीवार तोड़ के आना जाना करके और अंदर ताला लगा दिया इन्होंने, और वापस आए मेरे मम्मी पापा 2022 के अंदर मार्च के अप्रैल के अंदर, बोले कि ये तुम्हारा नहीं हमारा है, ये इन्होंने कब्जा कर लिया। कागज वगैरह तो होंगे ना तुम्हारे पास? हमारे पास सारा सबूत है, कागज है जो भी है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस में गए थे? पुलिस गए थे, पुलिस बोलते भी SP आदेश सोमवार तक आने तक आप शांत रहे, उसके बाद हम जो आगे कार्रवाई करेंगे उसके बाद जो भी है, प्रशासन इनके खिलाफ है, पड़ोसी भी इनके खिलाफ है, सब सबूत हमारे पास है। इसको क्यों कर लग रहे हैं? तो इनके नीत के अंदर फर्क आ गया इनके अंदर। आज के टाइम में मकान कितनी कीमत माना पर? कीमत तो मैं मकान वाले को मैं तो 19-20 लाख ही बोलूंगा, तो उनको मतलब कि देना पड़ेगा, पर क्या है कि मेरे को नहीं देना है, मेरे को रखने का। मेरा नाम बनवार सिंह अमर सिंह है, पिताजी का नाम अमर सिंह, राजस्थान रोड में थे मेरे पिताजी मैकेनिक। 2014 के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद तबीयत खराब होगी, उसके बाद मेरे पिताजी आए नहीं पाए और इन्होंने
नाजायज मतलब कि कब्जा करके ये धनी वहाँ के बैठ गए। मकान है अमर सिंह का, सीता का। सबसे पहले आई सी आधा मकान इसने बांट के वो दे दिया सी इसको बैठने लिए। अब इसने कब्जा कर लिया इस मकान के ऊपर। भी इसका क्या हक का कब्जा करने का? जे तेरे को समागी बच्चे लेगी आपके उधर के बच्चों की शादी नहीं होती, छोटे छोटे की होती है। इस करके नाले इसके घर वाले की बदली होगी सी। उस कार ने बच्चे उधर ले गई सी, इसको देगी चाबी बहना बनी हुई सी आपके बीच में। अब इसने धोखा कर लिया इसके साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज इसके साथ होया कल मेरे साथ भी होएगा। नहीं करना चाहिए धोखा, इसको मकान देना चाहिए। मकान सीता का, आज भी कहते हैं कल भी कहते हैं सीता का मकान है। नाम क्या था? लीला देवी। लीला देवी जी कितना टाइम रह रहे थे? मैंने थे हो गया 30-40 साल। मैं जॉब करती डी ऑफिस में, अटकर ही निकलती नरसा के बाद चीत करके जाती। और कई अमर सिंह रो मकान है, सीता रो मकान है। बहना बनी ओड़ी आपस में आन जान तो हो ही जाए। जो अब मैं आवा जावा तो किराए पर मैं भी एक जनी ने बिठाई, मीनो किरायो भी लेके गई है। वह पम्मी है अजय तक मौजूद है, थे को तो बुला सका मिले किराया। जितने बाद में अब आई है आने के बाद में मकान की चाबी मांगी है, चाबी कौन दिया? मारो मकान है बीच में दीवार तोड़ रखी है। तो कागज वगैरह तो कौन ही होगा? कौन ही कागज है? तो कागज तो नहीं है। हाँ, कागज ही ना करने, बिल्कुल ही ना करने। सब थाना में चौकी में मौजूद है। हाँ, कागज योड़ा है, बयान हो योड़ा है, सब कुछ हो योड़ा है। बिजली रो बिल है, पानी को बिल है, सब इन्हें नाम पर है। कितना टाइम हो रहा है? मैं तो बहुत टाइम हो रहा है। आ कारण से पहली कर रहा और प्लाट भी मारो ही दिराइड है। मारो दिलाइड प्लाट? हाँ, मारो दिराइड है। रही बात है कब ने कहे छोटा छोटा एक ई बायन को दी लेके आया जद का कब ने तीन टाबर ठे हुए डांगे आंको मकान और अन तो कब ने भाण बन के रखा पेट में बड़की मीठी बन के रखा ने कहे मकान पर कब्जो करने लग गई। और करियो भी अब बाद जनवरी के बाद पहले कब्जो भी कौन करियो? पहले तो वही चौखे प्रेम भाव सो क्यों एकदम किरायो देती सो क्यों? तो रही बात अब है जो जनवरी के बाद कब्जो कर लियो मन में बेईमानी जाग गई। देखो के अब दुनिया को के विश्वास है जीवन ती माखी गिटन ला रही है बात है। आंको मकान है, आंको रणो देनो है, आंको पानी बिलन बिजली सो क्यों है? मकान अमर सिंह रो सीता रो ए छोटा छोटा कठे ही जमिया रठे ही बड़ा है बेटा। मेरे ऊपर विश्वास करो थे, मेरी 70 साल री उम्र है। मकान ये इरो मतबल थोड़ी है भाई, घर पड़ोसी हो गयो तो तुम कब्जा ही कर ले। और आज मैं विश्वास बर्तन ने मैं कह ही दूं बेटा रे आज मेरे घरे सोइए तो तुम मेरे घर को कब्जो कर लेगो। ये बहुत गर्दरदारी करी है की क्या आज यहाँ रही? पेट में तो भूख उठ गई है, आंखों की नींद उठ गई है की ए टाबर आवे बार बार आवे मारो मकान चाबी दे दो चाबी दे दो। ऐसो आदमी है जो मशीन सांस लेवे अरे अठे बैठो बैठो रो रो के 3 दिन चलियो गयो तो बे लड़ाई अंगे रेम कौन जागियो बिल्कुल इया रुको रेम जागियो इया रुको जागियो ए सारा मार कन्ना रे। अब भी आ छोरी मारे घरे रेवे रोटी पानी मैं देऊ तो अन कितने टाइम में जानू माता जी कितना? अरे ए जद अठा आगे बस जद गई जानू मैं जाने आज मेरू भी बदली होई बैठू बाहर मेरू सिद्ध उड़मान गडायो उड़मान गुरु बदली होगी वो मेरू। मैं सुनियो गंगा पति है जगह 4 दिन पहले अड़े रो रो के चल गया और आगे रो रो के चल गया रो रो के चल गया अठे रे मार गए खुद रिया रो रो के उठ गया। अब के कहो तो बस सरकार के सारे प्लाट अमर सिंह अमर सिंह नहीं मिलना चाहिए। तो वीडियो थाने किसी लगी? वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वे कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो पास में दे रहे बेल आइकन का बटन ना दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में इस तरह की कोई समस्या है तो बा भी थे कमेंट बॉक्स का माध्यम माने बता सको हो। माने दो इजाजत, मिला थारसागर नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।